जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में गिरे 12 साल के मासूम राहुल साहू को 100 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद सकुशल निकाल लिया गया। देश में अपने तरीके के इस सबसे लंबे समय तक चले बचाव अभियान को अंजाम देने वाली टीम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। इस अवसर पर जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों से बचाव अभियान की पल पल की जानकारी को साझा किया। अभी आपने बहुत विस्तार से कलेक्टर जितेंद्र शुक्ल जी का, आईजी, एसपी और उसके बाद जो रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसीसीएल, सेना और गांव के लोग, जिन लोगों ने सहयोग दिया, सबके आपने अनुभव आपने सुना है। बहुत बड़ा ऑपरेशन, मैं समझता हूं देश का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 104 घंटे का। चुनौती बहुत बड़ी थी लेकिन हिम्मत और जोश की कोई कमी नहीं थी। सबने पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और होश के साथ जो काम किया है। देखिए, जब आपकी नीयत ठीक होती है, आपको उद्देश्य सही, लक्ष्य सही रहता है तो प्रकृति भी साथ देता है। जब का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तब बारिश हुई। यदि उस समय बारिश होती तब क्या होता, एक और कठिन। लेकिन तब भी हमारे रेस्क्यू टीम के साथी के हौसले कम नहीं थे। क्या आपके ऑपरेशन में परेशानी नहीं आई? पहली बात यह है कि बच्चा यदि सीधा गिरा और कीचड़ था, इस कारण से ज्यादा चोटिल नहीं हुआ। जो केवल उसकी जो स्किन है वही छिला उसका। यदि सूखा रहता हो सकता था हड्डी पसली टूट जाता। यदि सिर के बल गिरता तो जान भी जा सकती थी। लेकिन ऊपर वाले हमेशा इस पूरे घटना में उनका आशीर्वाद रहा। सीधा गिरा, लेटा रहा। दूसरी बात, सारे टीम जो जो एक्सपर्ट थे, जिसकी जिसकी आवश्यकता थी, सबको जितेंद्र शुक्ल जी ने, एसपी ने, आईजी ने और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी, डीजी साहब, सारे अधिकारी, कहीं पर भी न रेस्क्यू टीम को न हम लोगों को लगा कि यहाँ पे परेशानी आ रही, ये सहयोग नहीं कर रहा है। जहां जहां आवश्यकता पड़ी वो सारे लोग उपस्थित होते गए, वो सारी मशीनें हमको उपलब्ध होते गए और चट्टान भी आया तो उसको हटाने के लिए, उसे काटने की भी व्यवस्था कर ली गई। ये सब आप सबके सूझबूझ, हौसला, आपकी मेहनत, लगन और सबसे बड़ी बात लोगों की दुआएं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी 2 मिनट का हमने क्लिप देखा, वीडियो क्लिप देखा, बहुत सारे वीडियो क्लिप हमारे जनसंपर्क विभाग के पास होगा, हमारे मीडिया के साथी भी, बहुत सारे मीडिया साथी वहां 5-5 दिन तक रहे। 2-4 लोगों उसका मैं बिलासपुर में सम्मानित किया, उनके साथ फोटो खिंचवाया, उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बहुत सारे साथी हैं जो वहाँ लगातार वो लोग भी जागते रहे, मीडिया के लोग भी, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एक इस अभियान को सफल बनाया और इस अभियान ने एक बार पुनः साबित कर दिया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम जिस तरह से इसकी
ट्यूबवेल ने गिरने की सूचना विजय ने मुझे दी, मैंने तुरंत डीजीपी साहब को अवगत कराया। मयंक श्रीवास्तव एसडीआरएफ, उनसे बात किया, डीजीपी सर ने तुरंत बोला कि मैं डीजी एनडीआरएफ से बात कर रहा हूँ और सभी चीज़ें व्यवस्थित हुआ। क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस था, 2009 में बालको में चिमनी गिरा था, तब मैं एसपी था वहाँ, जो लगभग 75 आवर्स रेस्क्यू ऑपरेशन चला था जिसमें 40 लोगों की डेथ हुई थी। तो मुझे पता था कि हमको ऐसे ऑपरेशंस में हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। कलेक्टर साहब से बात कर रहे थे, एसपी साहब से बात कर ही रहे थे। तो इस तरह का जो आपका एक अनुभव है वो जो है इस तरह के इश्यूज में काम आता है। सामान्य टर्म में सोचे तो ये एक ऐसा वाकया था सर जिसमें एक्शन भी था सर, थ्रिल भी था सर, फियर भी था सर, सस्पेंस भी था, मतलब तमाम चीज़ों का ऐसा एक वाकया बन गया था। मैं इसको सीक्वेंस पर सर थोड़ा थोड़ा आपको शेयर करना चाहूँगा। शाम को लगभग 4:50 में सर मेरे पास एडिशनल एसपी का फोन आता है कि इस तरह का वाकया हो गया है, एक बच्चा बोरवेल के अंदर गिर गया है। यह सुनते ही सर मैं पास के गांव पे दौरे पे गया था, एक सिहरन से अचानक से डरी सर, क्योंकि मैंने प्रिंस वाला एपिसोड और तमाम चीज़ें पढ़ रखी थी। उसको पढ़ते ही सबसे पहले सर हमने ये तय किया कि जो शक्ति में हमारे जो ऑफिसर्स पोस्टेड थे, एडीएम थी, एसडीएम वहाँ की, ओएसडी, इन सबको मैंने कहा कि आप तत्काल वहाँ पे पहुँचे सर। और ये कहने के बाद में मैंने पीएचई विभाग के ई को कहा कि बोरवेल का प्रोफाइल जाकर के आप चेक करके इमीडिएटली मुझे बताएं।